प्रज्वोष से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका मॉर्निंग गुड है? यस। बच्चों का मॉर्निंग बहुत गुड है, कम से कम क्लास तो नहीं होगा क्योंकि क्लास होता तो जान चली जाती है। यस सर, आया दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, ठीक है, और आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ खड़े होकर बोलता रहूँ और आप वहाँ बैठ कर तीन बार कहिए भैया हमने भी दिए का बराबर का मामला होना चाहिए। मैं यहाँ खड़े होकर बोलता रहूँ और आप वहाँ बैठ के क्या कहा, सोते रहें। मुझे तो प्रथम सुनाई दिया। वैसे भी भारतवासियों के लिए सुनने और सोने में ज्यादा अंतर, अंतर है या नहीं है? पहले क्यों कहा नहीं है? मुझे है ना, भारत के स्टूडेंट्स जो है ना, विदेशी भी अच्छे लगते हैं, बट इंडियन स्टूडेंट्स आर द बेस्ट ऑडियंस। मुझे सबसे अच्छा लगता है बात करना अगर किसी से, ना भारत के बच्चों के साथ बात करना इतना अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे और मुझसे भी जो अच्छा वक्ता है ना, भाषण करने वाले, जिसको हम ओरेटर्स कहते हैं, स्पीकर्स कहते हैं, या आपके टीचर कह लो, मैं टीचर भी रहा हूँ मुंबई में, हम टीचरों को बिल्कुल भनक तक नहीं पड़ता है, पता ही नहीं चलता है कि भारत का जो बच्चा है वो सुन रहा है कि सो रहा है, क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स आंखें खोल के भी सो सकते हैं। ऐसे ऐसे से मिलाते रहते बीच में ताकि सर को पता ही नहीं चले कि मैं सो रहा था। आपके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं तो मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना दोस्तों? सच बताओ, मुझे नहीं पता किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज यू आर ट्राइंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे ही ना? ओके, उसमें ज्यादा मेरा अंडरस्टैंडिंग है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ही आप लोग एग्जाम्स लिखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, am I right? Fantastic. वैसे मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप भी मेरे साथ बातें करें, आप भी प्रश्न पूछें, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे ना, इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात पे झलकेगा कि आप अभी कितना कॉन्फिडेंट होकर के गिरीश भाई को सुन रहे हैं या फिर गिरीश भाई की बातों पर विचार कर रहे हैं। सो इफ यू कैन स्टैंड अप एंड कैन आस्क अ क्वेश्चन टू मी, मुझे पता चल जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सबके सामने खड़े होकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना में बहुतों की हालत खराब हो जाती है, और हम अभी से अगर उसकी ट्रेनिंग, वैसे तो आपका फॉर्मल ट्रेनिंग होता भी होगा, आपको फेसर इंटरव्यू डिस्कशन या जो भी आपको सिखाया जाता है, लेकिन सिर्फ वहाँ ना सीखें, यहाँ पर भी आप क्या करें, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से उसका प्रश्न पूछें। और दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीतने में, किसी भी क्षेत्र में अगर मुझे जीतना है ना, तो बहुत सारी बाधाएं आती है, there are hindrances, there are obstacles which you and I face in the process of achieving success। हम सफलता प्राप्त करने के उस मार्ग में आपको बहुत तकलीफ होती है। एक तकलीफ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जब आप छोटे थे ना, बहुत छोटे, लोअर के जी, अपर के जी, क्लास वन क्लास टू में, तो सिर्फ प्रश्न ही पूछते थे,
आपको फर्क ही नहीं पड़ता था सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। और मुझे तो छोटे बच्चे बहुत अच्छे भी लगते हैं और सबसे ज्यादा डर भी उनसे ही लगता है क्लास कराने, क्योंकि ये जो छोटे होते हैं ना ये मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं है, मेरे पास कहाँ से है। आपको मैं बस एक ही उदाहरण देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मैं ऐसी क्लास करा रहा था मुंबई में, एक छोटा बच्चा पप्पा की गोदी में बैठा था और पता है कॉन्फिडेंस तो ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहा था, डर का कोई कुछ ही नहीं है और हम बड़ों को भर भर के डर है लोग क्या सोचेंगे, कोई मेरी बात को सुन के हंस लेगा तो क्या होगा। वैसे ही ज्यादा कोई इज्जत है नहीं हमारा, लेकिन जो बच्चे की चीज इज्जत है उसका भी मिट्टी में गिर जाएगा। हम तो ऐसे अपनी इज्जत को संभालते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा है। आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मुंबई के बच्चे में बैठ पाते हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो बताइए छोटू क्या बोलता है सबके सामने, अंकल क्वेश्चन पूछू क्या। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अंकल सिलेबस ही आने वाला था। बोलता अंकल डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। मैंने कहा मुझे भी पता है। बोला अंकल कैट के बच्चे को किटक कहते हैं। मैंने कहा सो व्हाट। बोला गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। मैंने कहा प्रश्न क्या है, तुम भूमिका इतनी अच्छी बांध रहे हो, प्रश्न बताओ। छोटू पूछता है अंकल टमाटर के बच्चे को क्या कहते हैं, आलू के बच्चे। पहली बार जिंदगी में मैं खड़े खड़े बेहोश हो गया। अच्छे अच्छे आईआईटी वगैरह में क्लास कराया, मुझे घबराहट नहीं होती। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं, द पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य इज टू क्वेस्ट नॉट टू टेस्ट। लेकिन आज आप और मैं वो टेस्ट से इतने ऑब्सेस्ड हो गए ना, हम पता है प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मम्मी पापा टीचर्स और ये इडियट प्रोफेसर गिरीश ने बच्चों को बस एक ही चीज बताया, आंसर बता, आंसर ढूंढ, आंसर क्या है, आंसर ढूंढो। आंसर के चक्कर में प्रश्न पूछना ही भूल गए। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट, ये मैंने कोट नहीं लिखा ना, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू टेस्ट। और टेस्ट देखते ही साथ हमारा घबराहट चालू हो जाता है, और टेस्ट में हम सब पास होना चाहते हैं। सफलता का उद्देश्य, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा आप लोग मेरे साथ बात करेंगे, करेक्ट, प्लीज बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफलता। सफलता को परिभाषित करिए। मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो और मैं इंटरव्यूअर, वहां तो जवाब देने पड़ेगा ना दोस्तों, वहां तो हम मर मर के जवाब देंगे क्योंकि हमको सिलेक्शन। और पता है हम कैसे जवाब देंगे, बहुत कॉन्फिडेंट। अंदर गंभीर अवस्था है लेकिन दिखाएंगे, ये ढोंगी ढोंग पर है दोस्तों। सो कैन यू बी नेचुरल। और वो नेचुरल होना पता मैंने कहां से सीखा, मेरे कॉलेज के मेरे प्रोफेसर्स ने नहीं सिखाया दोस्तों, मुझे सिखाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विद्यालय। प्लीज हमें आप गलत मत समझिएगा, वाइट वाइट, क्योंकि जब मैंने एंट्री किया था तो कुछ लोग मन ही मन सोच प्रवचन सुनना पड़ेगा। मैं तो बहुत खेलता हूँ, मेरे वाइट वाइट कुर्ता पैजामा में बहुत जाता हूँ। तो दोस्तों कैन यू बी नेचुरल, हम नेचुरल नहीं रहते। 24 घंटे में 25 घंटे हम दिखावे की जीवन जी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोचे। मैं अच्छा हूँ नहीं उससे मतलब नहीं है, बट आई वॉन्ट द होल वर्ल्ड टू थिंक गुड अबाउट गिरीश। यस सर, अगर आप चाहते हो कि सारी दुनिया आपको गुड समझे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है बिकम गुड। सिर्फ दिखावे में गुड नहीं, सोच में गुड, फीलिंग में गुड। और हमारी सोच में और फीलिंग में हम गुड इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा अपने फीलिंग और थॉट्स पर नियंत्रण नहीं है। कपड़ों पे नियंत्रण है, फेयर एंड लवली पर है, हेयर स्टाइल मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर की बात कर रहा हूँ।
और जो लड़के लोग मेरे हेयर स्टाइल को देख के हंस रहे हैं, भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो, उसके बाद ही ऐसा हाल होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी के दुख पे भी आप रुक सकते हैं, ये आपकी काबिलियत अच्छी है। चलिए एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक ही गोल्डन फॉर्मूला बताऊंगा, सफलता सक्सेस इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। वो सफलता का डेफिनेशन थोड़ी ना, वो तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा भगवान करे पूर्ण हो। हो सकता है ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इच्छा को पूर्ण ना कर पाए। मेरी इच्छा है कि मैं एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करूं, होगा नहीं होगा उसका गारंटी नहीं। हाँ मेहनत में कर सकता हूँ, प्रयास में कर सकता हूँ, लेकिन अगर 100 में मुझे 70 मिलेगा तो तब तो मैं फेल हो गया, अगर 50 मिलेगा तो मैं फेल हो गया। इसका मतलब सफलता का डेफिनेशन इज टू एक्सपेक्ट व्हाट यू वांट एंड यू गेट इट। तो फिर वो सफलता का डेफिनेशन थोड़ी ना, प्लीज गो बैक एंड चेक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलिए और देखिए सफलता का डेफिनेशन क्या है। मैंने सफलता का डेफिनेशन करीब 22 साल की उम्र में पढ़ाई कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी करना शुरू किया, तब जाके पता चला। मेरा दुर्भाग्य रहा है, काश मुझे बचपन में प्राप्त हो जाता था सफलता का डेफिनेशन क्या है। दोस्तों पता है सफलता क्या है? सफलता मन की एक अवस्था है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड इफ राइट नाउ, अभी इस वक्त इफ आई कैन फील गुड अबाउट माइसेल्फ तो सफल है। बट हमारे साथ होता ऐसा नहीं है, पता है हम सब मर-मर के पढ़ते हैं, मर-मर के क्लास अटेंड कर आता करते आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। मर मर के डर डर के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन के बाद एग्जाम है, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन तो दिल की धड़कन बाहर जाकर अंदर आ रही है, कुछ कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, और मेरी मन की शरीर की अवस्था में इतना फियर है, इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतना स्ट्रेस है, और उस अवस्था में एग्जाम लिख रहा हूं, 365 दिन मर मर के पढ़ रहा हूं, डर डर के एग्जाम लिख रहा हूं, बहुत अनिश्चित होकर के डाउटफुल होकर के वेट कर रहा हूं रिजल्ट का। 400 दिन हो गया और एक दिन रिजल्ट, और उस एक दिन रिजल्ट आपके मर्जी के अनुसार अगर आपका दाखिला हो गया, उस लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो आप सफल, और अगर नहीं है तो विफल। दोस्तों वो एक मोमेंट जब रिजल्ट आपके लिस्ट में लगा, दैट इज नॉट मोमेंटरी। पता है गिरीश ने अपना 400 दिन बर्बाद कर दिया। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, क्या मैं मजे से, खुशी से, आनंद से, स्नेह से 8 घंटे 365 दिन पढ़ सकता हूं तो आप सफल हो। उसी मन की शांति और स्टेबिलिटी और कूल और कामनेस और सेरेनिटी के साथ क्या मैं एग्जाम लिख सकता हूं तो आप सफल हैं। और क्या वापस और 100 दिन इंतजार करो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के, एंड देन वन फाइन डे ऑन द 400th डे आई सी द रिजल्ट। दोस्तों रिजल्ट में आपका नंबर है या नहीं है, लेकिन आपने 400 दिन कैसे बिताया, 400 दिन कैसे बिताया। और अगर 400 दिन आप अच्छी तरह बिता सकते हैं, जबकि यहाँ 8 घंटे क्लासेस हो रहा है, घर का भी काम करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सबके चलते हुए अगर आप यहाँ से खुश हैं, पीसफुल हैं, स्टेबल हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ दोस्तों, आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, आपको दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आदत बन जाएगी। एवरी मोमेंट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, I am proud of the hard work that I've done. मुझे नशा है, मैंने जो मेहनत की है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है नहीं होता, इंटरव्यू पर समझ पाता नहीं समझ पाता, मैं वो उनके लिए करना ही नहीं है, क्योंकि करना मुझे अपने लिए है, मेरी अपनी स्थिति के लिए। पता है इसका रिजल्ट एक्चुअली होता क्या है? पढ़ तो लिया मर मर के, एग्जाम भी लिख लिया, नौकरी भी मिल गई, जॉब भी कर रहे हैं,
लेकिन फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, फ्रस्ट्रेटेड आईएएस ऑफिसर, बर्नआउट, मैं मिलता हूँ दोस्तों, मैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के प्रोग्राम्स करते हैं। लखनऊ में मैंने जब प्रोग्राम किया था आईएएस ऑफिसर्स का, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, करीब 40 आईएएस ऑफिसर्स में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी थे, वो ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, और वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि ऋषि भाई हमको मेडिटेशन सिखाओ। बहुत स्ट्रेस है, अभी भी स्ट्रेस, एग्जाम का भी स्ट्रेस, नौकरी के बाद भी स्ट्रेस, कब मुक्त होंगे दोस्तों? जीवन में यही जीना है क्या? और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना जीवन आपका आसान है ना, नौकरी के बाद उतना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। छोटी मेहनत करो वाला जीवन जीने के लिए, अंतर इतना होगा ना कि आपको मिल जाएगा 60-70-80-1 लाख रुपए महीने का पॉकेट में। सो मच ऑफ डिप्रेशन केसेस, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी आपने सुनी भी होगी, कहानी नहीं है, रियल घटना है, और वो घटना के आधार से मैं बताना चाहता हूँ जीवन की सफलता का या जीतने की कला क्या है। 26 साल की महिला, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर मेरे पास प्रोजेक्टर होता ना, मैं आपको दिखाता था, मेरे पास प्रेजेंटेशन है उसका, या फिर आप आज घर जाके यूट्यूब में चेक करना, आपको दिख जाएगा। 26 साल की ये महिला नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है, 26 साल की महिला, बहुत ध्यान से सुना बच्चों, इस महिला के पास कोई पावर नहीं है। आप और मैं ना पावर को प्राप्त करने के लिए मर रहे हैं, पहला पावर इस महिला के पास नहीं है, और वो है धन, मनी पावर। शीज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत साधारण गरीब परिवार से, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली है, बहुत साधारण परिवार से, शी डजंट हैव द पावर ऑफ मनी, और हम और आप इस पावर के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बेचारे हमको इतना पावर मिल जाए। दूसरा पावर, शायद हमारी बहनें इसको सही समझ पाएंगे, जिस वो भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है दोस्तों, और वो है सुंदरता का पावर, फेयर एंड लवली। ये महिला भी फेयर भी नहीं है, लवली भी नहीं है, आई मीन शी इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, नॉट वेरी अपीलिंग, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, साधारण। इस महिला के पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, पढ़ी लिखी नहीं है। आप और मैं, सारा दुनिया पता क्या कहता है, द पावर ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत अंतर है, जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। इस संसार में जितने लोग सिगरेट पीते हैं ना, सब जानते हैं हानिकारक, लेकिन फिर भी पीता हूं, आया ना। तो आप और मैं सिर्फ जानकारी के ऊपर ऑब्सेस हैं या फिर ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ है समझ, समझ का अर्थ है शक्ति। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, एक सेकंड लगेगा दोस्तों, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज्ञानी दुआ था। आपको लॉजिक की जरूरत नहीं है, लॉजिक तो हम सबको पता है, हर सिगरेट के पैकेट में लिखा है इंजूरियस हुए, तो हमको अंग्रेजी नहीं आती, आई कैन रीड यू, बट हिंदी फिल्म का गीत है, मैं तो चाहूंगा प्रमोद भाई गीत गाएं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, वो मैं गीत आपके पास सुनाता हूँ, आधा गीत मैं गाऊंगा, बाकी आधा आप गाना। क्यों मनुष्य सब जानते हुए भी सिगरेट पी लेता है, शराब पी लेता है, गुस्सा कर देता है, खुद को हीन भावना से देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में परेशान रहता है, सुसाइड करता है, एंग्जाइटी में चले जाता है, हमको सब पता है सब गलत है, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पता है उसका कारण क्या है? आधा गीत मैं गाऊंगा, आधा आप लोग फील कर रहे हैं, ठीक है। पुराने जमाने का गीत है, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते, गीत के बोल है दिल है, क्या बात है, क्या जानकारी है आपकी, पुराना गीत भी जानते हैं, इतना मेहनत अपने सब्जेक्ट्स में कर लिया होता है तो पास हो गए, पुराना गीत का कोई अध्ययन नहीं किया, छपा हुआ है, मानता नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, प्रश्न पूछो, आपका हाथ आपका मानता है,
Sada, does your hand always listen to you? 100%. गिरीश भाई को प्यास लगी है, नीचे बॉटल रखा है, मेरा हाथ तुरंत बॉटल पे जाएगा, मैं ढक्कन खोलूंगा, आई ड्रिंक वाटर। ऐसा कभी हुआ है कि आपको पानी प्यास लग रही है, ग्लास रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पे और आपका हाथ कहता है जब हाथ स्ट्राइक कर, नहीं तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ये काम करूंगा। सब अमरावती में नहीं होता है, मुंबई में शायद हो सकता है। अब तक मुंबई में ऐसे क्यों होगा, एक ही कंडीशन में होगा जिसको हम कहते हैं लकवा पैरालिसिस। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को स्ट्रोक लग गया, यहाँ क्लॉट हो गया, यहाँ रप्चर हो गया वन ऑफ द नस, आपका राइट साइड पैरालिटिक हो जाएगा, आप चाह करके भी आप पानी के ग्लास में नहीं उठा पाओगे। देन आपको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज को सब ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यस, अंडर वन कंडीशन योर हैंड विल नॉट लिसन एंड दैट इज पैरालिसिस। एक ही कंडीशन में आपका पाँव नहीं सुनेगा, दैट इज पैरालिसिस। नॉर्मल व्यक्ति का हाथ सदा सुनेगा, पाँव सदा सुनेगा, करेक्ट। प्रश्न नंबर 3, क्या आपका मन आपकी सुनता है? क्या आपका मन आपका मानता है? चाहती तो सुन चाहती हूँ, नींद ही तो सुबह आती है। और हम अलार्म को बोलते 5 मिनट है बाद बजे तब तक मैं सो रही हूँ, और 5 मिनट हम जब 5 मिनट के बाद जगते हैं तो देखते हैं 7 बज गया। हाँ, हमारा 5 मिनट तो देर गया। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। अमरावती के बच्चे तो बहुत अच्छे, एक बार घंटी बजी और हम भी घंटी बजी और हम उठ गए, हम इतने शक्तिशाली, हम अपनी भी सुनते हैं। दोस्तों, खुद का मन ना सुने, और इसी मन से आप एग्जाम में सफल होना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बी क्रिएटिव, यू वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल एंड बेस्ट, नॉट पॉसिबल। इस महिला के पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, इस महिला के पास नेटवर्क की पावर, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना हो, कोई भी समस्या आ गए, हम क्या बोलते हैं, हमारे जो कॉरपोरेटर हैं, मंत्री हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना, उनसे मैंने मदद मांगी, उन्होंने मुझे सहयोग कर दिया, नौकरी के लिए सिफारिश भी कर दिया। सॉरी दोस्तों, इस महिला के पास कोई नेटवर्क नहीं है, और लास्ट इस महिला के पास बॉडी पावर, मसल पावर भी नहीं है, साधारण सी महिला। ये महिला लखनऊ में जनरल कंपार्टमेंट में चालू डब्बे में बैठ करके दिल्ली जा रही है गेम खेलने के लिए, और क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास, और जैसे ही ट्रेन राय बरेली करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट है, और जब कमर से पास हो रही होती है तो रात के करीब 9:30 बजे उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में 4 लड़के घुसते हैं, और वो चारों के चारों लड़के गलत भाव लेकर के ट्रेन में चढ़ते हैं और वो सबको लूटना शुरू कर देते हैं, डरा के धमका कर। किसी के पास गोल्डन चेन है, पर्स है, वॉलेट है, मोबाइल है, कैश है, पर्स है, सब छीनने लगे। ये महिला के गले में पतला सा गोल्डन चेन था, और एक लड़का सीधे उसके गले में हाथ डालता है, और चूंकि ये लड़की स्पोर्ट्स खेलती थी, स्पोर्ट्स वालों को थोड़ा फाइटिंग कैपेसिटी होता है, इसलिए सब कॉलर पकड़ देती है और कहती है जो नाटक करना ना दूसरों के साथ कर, मेरे साथ पंगा मत ले, मैं शांति से सुनने वाली नहीं। और वो बाकी तीनों अपने साथियों को कॉल करता है, वो चारों के चारों लड़के आते हैं, इस लड़की को उठाते हैं, घसीट कर लेकर जाते हैं। 4 लड़के और 1 लड़की, दोस्तों इक्वेशन मैच नहीं कर रहा है, और शायद वो 4 लड़के वहाँ मैं भी होता ना तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता था दोस्तों, हमें लेकिन डेफिनेटली ओवर पावर भी। और वो चारों लड़के उसको जो एग्जिट डोर होता है ना कंपार्टमेंट में, जहाँ पर टॉयलेट होता है, थोड़ा स्थान होता है, वहाँ उसको घसीट के लाते हैं। 2 लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो 1 इंच भी अपने शरीर को मूव नहीं कर पाती है। 3रा लड़का बहुत प्यार से सार्कास्टिकली व्यंग के भाव में उसके कान में गले में हाथ डालता है और उसके कान में कहता है अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं, लुक व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद यू, हमसे दुश्मनी होती है ना तो जिंदगी भर याद रखेगी। 4था लड़का उसकी पेट लाता है, और दोस्तों आपको पेट में कोई जोर से कोई लात मार ले ना 2 मिनट के लिए ना आपका ब्रेन हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। शी स्किक्ड ऑन हर स्टमक वेरी पावरफुली, और 2 मिनट के अंदर उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। और पता है वो लड़कों ने क्या किया, इस लड़की दरवाजा खोला, इस लड़की को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया।
शी इज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन. किस्मत का खेल देखिए. आप बच्चों को पूछना चाहिए, वीरेश सर किस्मत कहाँ है, तो बदकिस्मती है. एंड देन शी इज थ्रोन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन. जब उसको फेंका गया, किस्मत का खेल देखिए, बाजू वाली ट्रैक से ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही थी, उससे जाके टकराते हैं. आप ऐसे ही ट्रेन से बाहर कूदे दोस्तों, उसमें चोट, और आप बाहर कूदे, आपकी भी शरीर की एक स्पीड होती है, और उससे दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन टकराया, आपका क्या हालत होगा. विद इन नो टाइम सब घटना घट गई, एक सेकेंड में सब चीज हो गया. भाई ये लड़की समझ ही नहीं पाएगी, भाई मैंने से क्या महापाप किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. आप और मैं अपनी जिंदगी में हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जमाना ऐसा क्यों है. जिस फ्रेंड को मैंने नोट्स दिया था सर वो पास हो गया. आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ. आप लोग ऐसा नहीं सोचते, ईर्ष्या जलन है, युवती नहीं है दूसरों की सफलता को. दोस्तों ये सब गड़बड़ है, ये सफलता नहीं है. आप पैसे कमा सकते हो और पैसे जा भी सकते हैं, पैसे हो करके भी आपकी वृद्धि हो सकती है, पैसा हो करके भी ऑक्सीजन सिलेंडर होकर के भी कोविड में लोग जा सकते हैं. पैसा शक्तिशाली नहीं है. यू शुड हैव मनी, बट द बेसिस ऑफ लाइफ इज नॉट मनी. एंड इफ योर बेसिस ऑफ कमिंग इन स्टडी हियर इज मनी, अब बहुत गलत जगह पे बैठे हो दोस्तों. माफी चाहता हूँ, मैं बहुत बैलेंस हूँ, मेरे को डर नहीं लगता. जो सत्य है वो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं मिलता हूँ लोगों से दोस्तों, भारत में और विदेश में. आपको एक उदाहरण दूँ, DLF का नाम सुना है? अभी तो DLF नहीं है, जब से अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट आया उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो DLF बहुत अच्छा था. DLF का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसने भारत में CA कंप्लीट किया, विदेशों का CFA कंप्लीट किया, जमाने भर का क्वालिफिकेशन था उसके पास. 50 साल की उम्र में हमारा कार्यक्रम, हम दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे थे, मुझे नहीं पता था ये CFO है. और पता है वो मेरे पास प्रोग्राम के बाद बीवी से कहते हैं मुझे खास आपसे मिलना है 10 मिनट, और फिर मुझे मिलाया गया. पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं 45 मिनट चल कर आया हूँ आपसे मिलने के लिए. मैंने कहा नहीं आप गाड़ी नहीं आ सकते. उसके घर के नीचे 4 मर्सिडीज हैं, 2 ऑडी कार है, लेकिन चल के आता है. पता है क्यों? और मुझसे पता है उन्होंने क्या पूछा? बोला गिरीश भाई, और जब कांग्रेस गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी सब आ गया था ना, तो उसको DLF से निकाल दिया गया CFO के पोस्ट से. 50 साल की उम्र का व्यक्ति जिसने सारे विदेशों की क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, जमाने भर का धन है, वो मुझसे कहता है मुझे नौकरी मिल सकती है क्या? मैंने उसको कहा सर मैं है ना पिछले 25 साल से नौकरी नहीं कर रहा, मैं कहां से दूं? इस उम्र में भी आकर के हम इतने परेशान हैं दोस्तों. पता है साधना क्या है? लेकिन हमारे जीवन का आधार ही ये है, हमने एक गलत आधारों को बनाया. प्लीज आप IAS ऑफिसर बनिए, मुझसे इस संसार में सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी. लेकिन दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना. IAS का टैग मिले, लाल बत्ती मिले या ना मिले दोस्तों, कैन यू स्टडी फॉर द ब्यूटी ऑफ स्टडी? कैन यू स्टडी बिकॉज यू लव स्टडी? Write the exam because exams are good. तब जाकर पत्नी भी गुड नजर आएगी, पति भी गुड नजर आएगा, नौकरी भी गुड नजर आएगा, समाज की सेवा भी गुड नजर आएगा. नहीं तो गलतियां ढूंढते रहोगे कि पत्नी ऐसी है, पति ऐसा, बच्चा ऐसा, समाज ऐसा, मेरा जूनियर ऑफिसर ऐसा, मेरे सीनियर ऐसे, राजनेता ऐसे. दुखी का कारण ही है क्योंकि सब गड़बड़ है. सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट खेलने जाएगा तो क्या बोलर को बोलेगा शोएब अख्तर को धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा? हेलो, पता है सचिन तेंदुलकर के मन की अवस्था क्या होती है? तू ब्रेक लीजिए, तू शेन वॉन है, तू बसित मलिंगा है, तू बुधैया मुरलीधरन है, तू बाउंसिंग पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका, स्टीव बकनर है वो अंपायर जिसने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में सचिन तेंदुलकर को आउट किया, तू आई विल यू, तुम सबको 6 के 6 लौटकर मैं गेंद को फ्रंट फुट में जाके छक्के मार के 100 शतक बनाऊंगा. ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा कॉम्पिटेंसी है, ये मेरा पैशन फॉर द लव ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट है. तुम नहीं डिसाइड करते हो, आपके जीवन का सफलता और मन की स्थिति आप डिसाइड करेंगे. वो एग्जाम और फिर भविष्य और पति और पत्नी नहीं डिसाइड करना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसको आप आज बनाना पड़ेगा. यहाँ पर आज वैसे जीवन जीए, आज वो अवस्था में बैठिए कि सर मेरा 3 अटेम्प्ट हो चुका है अभी. सर मेरा 3 अटेम्प्ट हो चुका है, मजा आ रहा है पढ़ने का.
ये अभी कह सकते हो तीन किसको किसको लेके रो रहे हो? तीन अटेम्प्ट और खुद ही ने दिया ना, तीन अटेम्प्ट खुद ही ने दिया ना, तीन अटेम्प्ट नहीं हुआ, सो व्हाट? हर व्यक्ति क्या गिरीश भाई आईएएस ऑफिसर है? नहीं दोस्तों, मैं भी फेल हुआ बहुत सारे एग्जाम्स में, अब नहीं फेल होगा क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट मेरी मर्जी के अनुसार हो या ना हो वो नहीं डिसाइड करता है मेरी मन की अवस्था। नहीं भी हुआ ना एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया ना, और मैं उत्साह के साथ पढ़ूंगा। ये लड़की को जब ट्रेन से धक्का मारा गया, वो ऑपोजिट ट्रेन से टकराई, इसका एक पांव घुटनों के नीचे से कट चुका है, है ही नहीं है पांव, नहीं उसे पूरे स्पाइन में चोट लगा हुआ है। और रात के 10 बजे ये घटना घटी, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 घंटे के बाद दूसरे दिन सुबह 7 बजे गांव वाले देखते हैं दो ट्रक के बीच में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अपॉन एग्जामिनेशन पुलिस को इत्तला किया जाता है एंड दे हैव अ शॉक ऑफ देयर लाइफ। पता है जब वो डेड बॉडी को देखते हैं तो पता चलता है उसकी सांस चल रही है, मरी नहीं। 9 घंटे एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के रिकॉर्ड टाइम टेबल के अनुसार 9 घंटे में लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ के उस दो ट्रैक में 49 ट्रेन आई और गई। दोस्तों आपको अभी सिरदर्द नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ से पिकअप करूँ अमरावती रेलवे स्टेशन और बडनेरा के बीच में जहाँ पे ट्रेन स्पीड पकड़ लेगी, वहाँ के रेलवे ट्रैक में मैं आपको आधा घंटे के लिए लेटने के लिए कहूँ और एक स्पीड ट्रेन को जाने दूँ, शायद आपको और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और इस महिला ने 49 टाइम्स हर बार जब ट्रेन जाती थी तो उसका आवाज, उसका लाइट, उसकी वाइब्रेशन से उसको होश आता था, और जब होश आता था तो वो चिल्लाती थी बचाओ बचाओ, उसको दर्द होता था, उसके पूरे शरीर में चोट लगी, लेकिन गांव दूर होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया, और फिर चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाती थी। फिर दूसरा ट्रेन धड़धड़ धड़धड़ करके आवाज आता था, रात भर चूहों ने, रेलवे ट्रैक के चूहे देखे एलिफेंट साइज ना बड़े बड़े, रात भर ये चूहों ने इस लड़की के कटे हुए अंगों को उतरा। हमको चोट लग जाती है ना तो जान बाहर आ जाती है दोस्तों। The entire night she was bitten by rats and she couldn't do anything. तुरंत उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मजे की बात बताता हूँ, सरकारी अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट गायब है, बेहोश करने वाला डॉक्टर नहीं है, और पता है ये महिला क्या कहती है? डॉक्टर साहब जिंदा रहना चाहती है, बिना बेहोशी ऐसे ही मेरा ट्रीटमेंट करिए। दोस्तों बिना बेहोश के आप स्टिच लगाने को कहूँ तो शायद हमारी क्या अवस्था हो जाएगी, और इसका एक पांव नहीं है। जब ये बात फैल जाती है, मीडिया में फैल जाती है, जो दिल्ली में जो जो महिलाओं के विरुद्ध जो जो भी होता है उसको लेकर के भारत की जनता, भारत का ऑपोजिशन भारत सरकार को चलने नहीं देता लोकसभा में, राज्यसभा में। ये सन 2011 की बात है, क्योंकि लोग चाहते थे कि जवाब चाहते थे कि भारत में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, इज इंडिया सेफ फॉर वुमेन, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस मामले हमको वोट दिया ना, दे आर आंसरेबल टू मी। और बहुत फैल जाती है बात और भारत सरकार काम करने नहीं देते। फाइनली भारत सरकार ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मीडिया को ब्रीफ करता है, जनता को तो उत्तर चाहिए ना, एंड द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया ब्रीफिंग में कहता है ये महिला झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चश्मदीद गवाह नहीं है उस ट्रेन के अंदर के, हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का कांस्टेबल मौजूद था, वो ऑन ड्यूटी था उस कंपार्टमेंट के अंदर, जितने यात्री थे किसी ने नहीं कहा कि चार लड़के आए थे, और ये महिला झूठ बोल रही है, और ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी, जब किसी ने टिकट पूछा बचने के लिए इसने खुदकुशी अटेम्प्ट किया, और चूंकि इसने खुदकुशी किया और इसका एक पांव भी कट चुका है या अपाहिज महिला हो चुकी है, भारत सरकार इसको 25,000 रुपये कॉम्पनसेशन देती है। Because now she is a disabled person. दोस्तों उस महिला के स्थान पर अगर मैं होता था ना, एक खून तो माफ था, मैं तो उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज में उड़ा देता था। तुम मदद नहीं करो लेकिन झूठ नहीं बोलो कि भारत सुरक्षित है, yes or no? और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है दोस्तों कला जीतने की। बता दें ये महिला ने क्या किया, 2 साल के अंदर 21 मई 2013
विश्व की पहली अपाहिज महिला बनी जिसने 8848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट की शिखर चढ़ी और वहां पर भारत का तिरंगा लहराया। आज तक किसी महिला ने नहीं किया। ये तो आप जानते होंगे, आपको सुना भी होगा, आज तक उसने 7 से 8 टॉप माउंटेन्स को कॉन्कर किए। लेकिन मजे की बात मैं बताता हूँ, इस महिला के पास ऑप्शन था दोस्तों। जिंदगी भर पुरुष जाति से नफरत कर सकती थी, ऑप्शन था। सोचना तो आपका है ना, दिल है, दिल तो आपका ही है ना, मन तो आपका है ना। वो 4 खरीदों में जो मेरे साथ किया उसको लेकर के जिंदगी भर पुरुष जाति से नफरत कर सकती थी, यस और नो? जिंदगी भर अपनी किस्मत तो रो सकती थी कि मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों, रो सकती थी, यस और नो? आप और मैं एक्सपर्ट है रोने में, आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मुंबई के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा रोते ही नहीं। रोने में हम सब मानी हुए दोस्तों, वो अपनी किस्मत को रो सकती थी जिंदगी भर, भारत सरकार को मरते दम तक गाली दे सकती थी, ऑप्शन तो आपका है ना, लेकिन नहीं किया उसने। उसने अपने मन की विचारधारा को नेगेटिव, रोना धोना गाली गलौज इरिटेट फ्रस्ट्रेट कंप्लेन छोड़ करके शी यूटिलाइज्ड हर मन की एनर्जी। और पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली जब रायपुर से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए उसने बजेंद्री पाल को कॉल किया। बजेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। और बजेंद्री पाल को कॉल किया, कहा मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ। बजेंद्री पाल बताया ना उन्हें बस इतना कुछ क्या कहा, बेटा तुमने ये संकल्प किया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन आप चल नहीं पाओगे, मतलब चढ़ नहीं पाओगे। अरे 206 की हड्डियों वाले नहीं चढ़ पाते हैं और तुम करोगे पाँव नहीं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट में चढ़ना इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग कभी हिंदू रीजन में गए हैं नहीं है। मैं गया हूँ ग्लेशियर में भारतीय सेना का कार्यक्रम करने के लिए। पता है 25,000 फीट पे सियाचिन में भारतीय सेना का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं है, चाइना भी नहीं है, -50 डिग्री टेम्परेचर वहां पर आदर नहीं है। विद रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, आदरणीय रामदेव महाराज काम नहीं कर सकते, ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या लोगे और क्या छोड़ोगे वहां? एक ही चीज गिरता है, ले लो ना अंदर को गहरी सांस, अनुलोम विलोम। आप जाना ले लद्दाख के ऊपर, 2 दिन आपको एक्लोमेटाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, आपको चक्कर आएगा, आपको 2 दिन बाद रुकाया जाएगा, एक्लोमेटाइज करिए भेज जाइए। वो तो सिर्फ मैं 11,000 फीट की बात कर रहा हूँ, 25,000-40,000 फीट में जाएंगे तो वहां पे भारतीय सेना का सबसे बड़ा खर्चा जो आपके और मेरे इनकम टैक्स से ज्यादा है, पता है किस पे ज्यादा है? डीजल पहुंचाने का। भैया मां का मतलब भारतीय जवान खाएगा क्या, नहाएगा क्या? ईंधन के लिए, ईंधन की आवश्यकता है, ईंधन माना ही, ईंधन माना ही डीजल, उसको हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जाता है। ऐसे हाइट में बिना एक पांव के चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। बस एक ही डायलॉग आपको बताता हूँ, ठीक है? सिनेमा डायलॉग डन, यस। बताया उन्होंने मसीना क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनता दोस्तों। विकलांगता अपाहिज बना डिसेबिलिटी इधर से नहीं होता, आ प्रश्न पूछो। इस मन को एबल लायक स्वच्छ शक्तिशाली पावरफुल बनाने के लिए आपके पास क्या तरीका है? ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, बच्चे बहुत स्मार्ट है, कि ब्रह्मा कुमारी वाले से एक ही चीज करते हैं, मेडिटेशन। जो विषय होगा ना वही उत्तर होगा, ठीक है?
आप लोग मेडिटेशन करते हैं? सर करते तो हैं लेकिन होता नहीं। दो मिनट बैठते हैं छोड़ो। चलिए एक एक्सरसाइज करें, यहाँ के लिए करते हैं क्योंकि यहाँ हमारे प्रमुख हमारे स्वामी भी बैठे हैं, यहाँ के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमेशा पीछे ही बैठना चाहिए, हाथ को ऊपर क्योंकि पहले का। ठीक है, करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अंग्रेजी में 1 2 3 काउंट करना है जोर से। ठीक है, ऐसे के बाद सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ, उनको छोड़ देते हैं, बच गए दीदियों की वजह से। ठीक है, शुरू करें, बोलिए वन जोर से। है या नहीं है? अच्छा बच्चों बताइए क्यों नहीं हो रहा है?
हाँ जी माइंड स्टेबल नहीं है, ऐसे माइंड नॉट स्टेबल वो डरे हुए के बाद ब्यूटीफुल बोलना, फोर के बाद फाइव बोलना, कोई यूपीएससी का एग्जाम कर बोलना, तो फिर डर किस बात का? और कितने कॉन्फिडेंटली बोले नाइन, कितने अच्छे से बोले फिफ्टीन, तो प्रॉब्लम तो था ही नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, पता है प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते बच्चों, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक दो के बाद तीन आता है, पांच के बाद छह आता है, आठ के बाद नौ आता है। सडनली एक व्यक्ति आकर प्रोफेसर गिरीश आपके बोलता तीन नहीं बोल लेगा, छह नहीं बोल लेगा, नौ नहीं बोल लेगा, ब्यूटीफुल बोल लेगा। चाहती तो हूँ ब्यूटीफुल बोलना, लेकिन ऑलरेडी कितनी उम्र होगी आप लोग? 20 साल, व्हाट इज योर एज? 22, 22 ठीक है कि 21 कर दूँ? बोलना चाहती हूँ ब्यूटीफुल लेकिन निकला थ्री, चाहती हूँ ब्यूटीफुल लेकिन निकल रहा है नाइन। हम दिखाना चाहते हैं कॉन्फिडेंस लेकिन दिखता है डर। हम बोलना चाहते हैं राइट लेकिन निकलता है गलत। पता है क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसमें डर है, डर है। और ये पता डर कहाँ से हुआ? बचपन से लेकर मम्मी पापा, एक मैं आपको डर बता देता हूँ, बताओ। और ये सब हमारे जीवन को डिफाइन कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी इसमें वो सब हमारा जो मान्यता है ना, उसको बहुत अच्छी रीति से हम चेंज करते हैं। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो गया, सफलता आपको ऐसे प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा दोस्तों, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या था। जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, बहुत वंडरफुल है बच्चों, आप ध्यान से सुना, इसको मैं यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ से, और फिर मेडिटेशन करिए, फिर देखिए कि टू बिकम इजी फॉर यू। मैं जब दूसरी कक्षा में पढ़ता था ना, पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर पढ़ता नहीं था, एक जगह बैठ के नहीं पढ़ता था। मम्मी लोगों को तो बैठ के पढ़ने वाले बच्चे चले, हम तो घूमते घामते पढ़ने वालों से, और मम्मी बस एक ही डायलॉग होती, पढ़ 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 पढ़। तो पता मैं पढ़ तो रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड में हम नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कोई पढ़ो। एग्जाम का डेट्स नज़दीक आया तो मम्मी का फ्रस्ट्रेशन लेवल चरम सीमा में, वो पढ़ पढ़ पढ़ने मम्मी ने बताया कि फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि पढ़ नहीं रहा था। मम्मी ने कहा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, दूसरी कक्षा माना मेरा 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली था, हार्ड डिस्क। अभी आपके साथ प्रॉब्लम पता क्या है? आपके 500 जीबी हार्ड डिस्क में 600 जीबी कचरा है। हम तो सारी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। Anyway, मेरा तो हार्ड डिस्क खाली था। मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? पता मैंने क्या जवाब दिया? कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 15, 1 dozen, 2 dozen, I'm very confident। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर, मम्मी ने कहा क्या बोल रहा है तू? ओ छोटा बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार तो मम्मी से ही होगा ना, और तो किसी से प्यार ही नहीं करते। मम्मी का हालत गंभीर देख के मम्मी लाल पीली हो गई। मेरे को लगा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी है, मैंने अपना डायलॉग ही चेंज कर दिया। मम्मी ने क्या पूछा था? कितना मार्क्स मिलेगा? मेरे को तो कितना भी चलता था, लेकिन मैंने कहा कितना भी चलता है, मम्मी का तो उत्तर सुन के हालत गंभीर हो गई। मैंने डायलॉग चेंज किया, पता मैंने क्या बोला? तेरे को कितना चाहिए? पता है मम्मी ने क्या? 100 में 100। स्कूल जाऊं मैं, होमवर्क करूं मैं, क्लास वर्क झेलूं मैं, एग्जाम का टेंशन लूं मैं,
एग्जाम लिखूं डर डर के मैं, मार्क्स की सोच रही है दोस्तों, बहुत गलत जगह बैठे हैं आप। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मैं पढ़ करके नौकरी करने से माता पिता खुश होंगे, तो आप बहुत ज्यादा आंटी को प्रेशर दे रहे हो, आप अरुणिमा सिन्हा नहीं हो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सारा जमाना ही आपको डिक्टेट कर रहा है कैन यू स्टडी बिकॉज यू लव स्टडी, हो सकता है और अगर किसी कारणवश मुझे मार्क्स नहीं मिला या एडमिशन नहीं मिला या नौकरी नहीं मिली तो पता है आप गिल्ट में चले जाते हो और दैट कैन लीड टू डिप्रेशन। मेरी वजह से नौकरी क्यों नहीं मिली, मम्मी ने मेरे को मार्क्स कर, अरे रोता ही कर, दुखी क्यों कर रहे हो अपने आप को, हाँ मम्मी मम्मी ने पापा ने आपको बहुत मेहनत से पाला लेकिन व्हाई आर यू फ्रस्ट्रेटिंग योरसेल्फ, व्हाई आर यू इंसल्टिंग योरसेल्फ, यू आर ड्यू प्रेशर डाल रहे हो। और जो इन अंडू प्रेशर के अधीन हो गया ना वो फ्रस्ट्रेट हो गया दोस्तों, टूट गया ना मानसिक लेवल पे टूट जाओगे आप, और बहुत आसान है खुद को तोड़ना, बहुत आसान है खुद को शक्तिशाली बनाना। दूसरी बात बताया मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया था मम्मी, थैंक्स टू मम्मी ने वो फायदा था, चाहिए चाहिए चाहिए, कितना मार्क्स मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, हमारे प्रमोद भाई कह रहे थे अच्छी लड़की मिलेगी शादी में, पति अच्छा मिलेगा, घर अच्छा मिलेगा, नौकरी करेगा, पुतुल पर पाएगा, तब तो जाकर अच्छा परिवार मिलेगा। जीवन मिलना 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 नहीं है दोस्तों। और मजे की बात बताऊं, मैंने एक साल पढ़ा, इनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, मम्मी से तो सबसे ज्यादा प्यार, मैंने यथाशक्ति पढ़ाई की जितना हो सकता था, रिजल्ट का दिन आया, रिपोर्ट कार्ड लेके नाचते खेलते कूदते, हमको तो मतलब ही नहीं था भाई, हमको तो कितना भी चल जाएगा इनको ही चाहिए था। मम्मी घर में आए, मम्मी ने कहा मार्क्स कितना मिला, मैं कहा तू देख देखो चल, यू वर अंडर प्रेशर बिकॉज़ ऑफ मी, आई डिड नॉट वांटेड एनीथिंग। मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड खोला, ओ माय गॉड, मम्मी की आंखें खिल गई, मम्मी को लग रहा था नालायक फेल होगा, 75% मार्क्स आए, ज्यादा मिले, मोर देन एक्सपेक्टेशन। मम्मी ने जाकर पापा को कहा मेरा बेटा मैंने कहा यार पढ़ू मैं, मेहनत मैं करूँ, क्रेडिट ये लेके जा रहा ठीक है, मम्मी खुश, पापा खुश, बेटा के रिश्ते 75% मार्क्स मिले। आधा घंटे के बाद मम्मी दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए और मुझे दो तमाचा लगा के दी, बिग टू टाइप्स आर ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई मारा क्यों मुझे, आफ्टर थरो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ईडी भी आ गई था उसमें, आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन पता चला कि झापड़ क्यों खाया, बाजू वाले राहुल को 90 मिला, तुरंत मैं हनुमान के मंदिर में गया, सोचा था एक नारियल चढ़ाऊंगा क्योंकि दयनीय अवस्था थी, मैंने दो नारियल चढ़ाया, हनुमान जी को कहा भगवान मुझे मिले या ना मिले, मुझे ना मिलने से मेरा जीवन इतना कष्टदायी नहीं होता है जितना कि किसी और को ज्यादा मिलने से होता है, और वही चीज आज 22 साल की उम्र में दोस्तों आपको किसी और के मिलने में दर्द होता है, जीवन का उद्देश्य किसी और को मिलने से अगर आप प्रसन्न हो सकते हैं, यू कैन बी लाइक दैट फ्रेंड्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मुझे सरोकार ही नहीं है जिसको क्या प्राप्त हो रहा है, वो अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मैं क्यों किसी से जल रहा हूँ, और अगर जल रहा हूँ तो आपका सीपीयू जलने में बिजी है, आपका सीपीयू दुखी होने में बिजी है, आपका मन नेगेटिव थिंकिंग में बिजी है, और इसी मन को एकाग्र करके आप ब्यूटीफुल नहीं बोल पाओगे क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्रीऑक्यूपाइड, क्योंकि ऑलरेडी बचपन से प्रोग्रामिंग हो चुका है, 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 ही आता है, 8 के बाद 9 ही आता है, और यहाँ पर गिरीश भाई आपके टीचर्स आपके बड़े सब कह रहे हैं नहीं आंतरिक अवस्था अच्छी होनी है, ब्यूटीफुल बोलिए, ब्यूटीफुल सोचिए, ब्यूटीफुल देखिए, चाहती तो लेकिन निकल रहा है 9, निकल रहा है 6, पता भी है लेकिन हो नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि 22 साल का प्रोग्रामिंग है, एग्जाम का डर है, भविष्य का डर है, इंटरव्यू का डर है, जीवन से डर रहे हैं, जीवन डरने के लिए नहीं है दोस्तों,
जीवन तो जीना है, एक बार डर को तो खत्म करिए, इनसिक्योरिटी को तो खत्म करिए। पता है डर का डेफिनेशन क्या है? FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो गलत है वो इतना रियल करके दिखाता है कि आपको लगता है कि ये सच है, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, मोर देन 90% ऑफ द फियर आर इमेजिनरी नेचर। आपके मन गलत है, आपका क्रिएशन है। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन और कोई तरीका नहीं है। आप कितना पूजा पाठ कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा पाठ भी डरा रहा है, पूजा पाठ भी डर के आधार से। अगर नहीं पूजा किया तो भगवान मेरे को नौकरी नहीं देगा, उसको कोई काम दाता है, उसने matrimonial.com खोल के रखा है, तो नौकरी दे दाता है। फ्रेंड्स, आप शक्तिशाली बनिए। एक लास्ट चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मैन बिलीव इट इज इम्पॉसिबल टू रन अ माइंड इन लेस देन 4 मिनट्स। हजारों वर्षों तक मनुष्य की मान्यता थी एक मील, एक मील समय 1.64 किलोमीटर, एक मील की दूरी को 4 मिनट के अंदर दौड़ के कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। Until in the year 1953, an athlete called as Roger Bannister could achieve the impossible by exactly touching the finishing line in 3 minutes 59 seconds. हजारों सालों तक मनोविज्ञानिकों का मानना था कि आप एक मील की दूरी को 4 मिनट के अंदर नहीं दूरी कर पार कर सकते। पता है उसका नाम क्या था? 4 minute a mile runner। Human beings are not designed, you cannot run। तुम शेर चीता नहीं हो, तुम इंसान हो। और इंसान का जो लिमिटेशन था कि एक मील की दूरी को 4 मिनट में नहीं क्रॉस कर सकते। और 1953 में एक एथलीट ने 3 मिनट और 59 सेकंड में क्रॉस कर लिया। जैसे ही उसने क्रॉस किया तो दिस बाफर्ड साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने उसको जाकर मिले, उसको इंटरव्यू किया, उसके बारे में पता लगा, रिसर्च किया। और पता है रिसर्च में क्या पता चला? और ध्यान से सुना उसको, और ये मेडिटेशन है, ये पता चला कि रॉजर बैनिस्टर फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ ट्रेनिंग करता था, साथ साथ मन को, इमेजिनेशन को बहुत क्लियर विवरण देता था, बहुत क्लियर पिक्चराइजेशन देता था, जिसको हम विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। And he used to give very clear commandments to himself. वो देखता था, on your mark, real में नहीं, देख रहा है, imagine कर रहा है, on your mark, get set, thunk, gunshot, oh, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, exactly 3 minutes 59 seconds में वो finishing line को touch कर रहा है। और वो इतना clearly देखता था, no doubt, no confusion, no if, no then, ऐसा थोड़ी ना होता है, सोचने से सब हो जाएगा, ऐसे visualize करने से तो जीवन में सफल होगा, इंसान दुनिया हो जाती है। बचपन से तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये सब अगर इधर है तो फिर गड़बड़ है। वो डाउट नहीं क्रिएट करता, बहुत क्लियरली देखता था। एंड उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ दोस्तों? हिज बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। जैसा आपका मन होगा ना दोस्तों, वैसा आपका शरीर करेगा। जैसा आपका मन होगा ना, वैसा आपका ब्रेन काम करेगा। उदाहरण दूं, मैं पहली बार कश्मीर गया था इंडियन आर्मी का प्रोग्राम करने के लिए, किलो फोर्सेस का नाम से एंटी इंसर्जेंसी फोर्स। और प्रोग्राम होने के बाद मुझसे कहा गया, पहली बार आने क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं बर्फ नहीं देखा आज तक। बोला लेके चला मेरे को पहाड़ों के ऊपर। मैं कारगिल वाले रास्ते से पहाड़ों पे गया, एक हाइट पे पहुंचा, सिर्फ बर्फ बर्फ बर्फ, वो मेरा मन ललचा गया। मैं उनका जो आर्मर व्हीकल था ना, उससे कूदा और बर्फ में लोक लोक के खेलने में जैसे बच्चे खेलते हैं। और जब मन भर गया तो मैंने कहा चलो भाई वापस चलते। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, मुझे वो आर्मी की गाड़ी भी नजर आ गई। मुझे पता नहीं चला था क्योंकि सब टेढ़ी नहीं है वहां पर ऐसे सपाट घूमी अचानक मेरे सिर में दर्द होता है दोस्तों जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरे को अंधेरा कुछ भी नहीं दिख रहा मेरा हाथ पांव कांप रहा है मेरे को ठंड लग रही है मैं हाथ पार नहीं लगा मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ अचानक किसी ने मेरे सिर के पीछे हाथ रखा मैंने कहा प्लीज हेल्प मी वेयर एम आई पट्टी खोली गई और पता है मैंने क्या देखा? हार्ट शॉक ऑफ माय लाइफ, हार्ट अटैक नहीं आया, बच गया। मैंने देखा एक आतंकवादी AK-47 लेके खड़ा है, मेरे शरीर में कपड़े नहीं। उन्होंने अच्छी बुलाई की, सब जगह से खून बह रहा, उन्होंने बहुत रॉयली मेरे को टॉर्चर किया और मुझे कुर्सी से बांध के रख, मैं हिल नहीं पा रहा, ठंड इसीलिए लग रही क्योंकि तन में कपड़े नहीं। प्रश्न पूछो दोस्तों, उस वक्त
गिरीश सर को पसीना आएगा या नहीं? कुछ लोग बोल रहे आएगा आएगा, तू तो क्या तेरे फिर खानदान को आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों। प्रश्न पूछो, साइंस का प्रश्न पूछता हूँ। पसीना आने के लिए हवा में नमी होना चाहिए, पसीना आने के लिए टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री होना चाहिए, पसीना आने के लिए आपने कुछ किया हुआ होना चाहिए, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, कपड़े धोना, तब जाके पसीना आएगा। गिरीश को -5 डिग्री में कुर्सी में बांध के रख दिया, तो हिल नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, शरीर पे कपड़े नहीं है, -5 डिग्री में पसीना किसने छुड़ाया? आतंकवादी ने। वाह, अब आप समझ रहे हो, बस डरिए आपका स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बाहर का परिस्थिति पसीना छोड़ने के लायक नहीं भी हो, बस अंदर डरिए आपका स्वेट ग्लैंड थम 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 करके पसीना छोड़ेगा। यस सर नो, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसा सोचोगे, वो प्रमोद भाई ने इतने अच्छी गीत गाया, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, आपका शरीर काम करेगा। आप इंटरव्यू देने जाइए, अंदर डरिए, गारंटी मैं करता हूँ आने वाला उत्तर भी आप बोलोगे, क्योंकि आपका सीपीयू बिजी है दोस्तों। यू आर ट्राइंग टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर, यू आर फीलिंग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आपका सीपीयू ना काम करने पे बिजी हो जाएगा। आपको उदाहरण दो, साइंस का उदाहरण देता हूँ। मैं ना फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हम रिसर्च करते हैं, हमने करीब 2006 से रिसर्च किया है। प्लीज आपको विश्वास नहीं होता, अभी के लिए आप चेक करना, ऑल द गर्ल्स, जब एक महिला गर्भवती होती है, ठीक है, उसका ब्रेन का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, द ग्रे सेल रिड्यूसेस, दिस इज हाउ नेचर इज, उसका ना कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, वो थोड़ा ध्यान नहीं रख पाएगी चीजों का, और फिर हमारी सासू माँ डांटते हैं, जब से तू गर्भवती है ना तेरा कहीं ध्यान ही नहीं रहता, तू गलतियां कर रही है, एंड दैट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। पता है क्यों? क्योंकि शरीर की प्रकृति उस शरीर को सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करने के लिए कह रही है, वो है उसका बच्चा। काम धंधा नौकरी पर आप शरीर यूज मत करो, द प्राइमरी फोकस फॉर दैट लेडीज बॉडी इज टू टेक केयर ऑफ द लिटिल होम। ये मैंने नहीं बनाया दोस्तों, ये प्राकृतिक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बिफोर अ बेबी इज बॉर्न, माँ बच्चे को जन्म दे दिया ना, बिफोर अ बेबी इज बॉर्न मिल्क इज क्रिएटेड इन द मदर्स बॉडी, वैसे नहीं मिल्क क्रिएट होगा। कौन सा टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये, कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे माँ के शरीर में दूध नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा हुआ, क्या GPS है, क्या ब्लूटूथ है, जो मनुष्य ने नहीं बनाया दोस्तों। ऐसे ही आप डरिए, परेशान होइए, नौकरी 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 से ऑब्सेस्ड होइए, आपका CPU कंसंट्रेशन काम होगा दोस्तों। प्लीज आपसे एक क्वेश्चन, वो जैसे रॉजर बैनिस्टर ने किया वैसे करिए। मैं आपको दो और उदाहरण देता हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? काश हमारे पास LCD होता ना, मैं सब आपको दिखाता है। माइकल फेल्प्स US का स्विमर है, जिसने 23 गोल्ड मेडल कमाए हैं ओलंपिक्स में, अकेले एक ओलंपिक्स और दूसरे ओलंपिक्स में कितने साल का गैप होता है? 4 साल का गैप होता है, और उसने 4 ओलंपिक्स में भाग लिया है, 4 ओलंपिक्स में क्या उम्र हो गई होगी, लेकिन तब भी ही बैक्सोमी गोल्ड। और पता है उसको पूछा गया कि आपने ये कैसे इतने गोल्ड मेडल कमाए, उसका कोच कहता है मैंने माइकल फेल्प्स को एक टेक्निक सिखाया जिसको कहते हैं मेंटल की नई जड़ी, जिसको हम दूसरी भाषा में विजुअलाइजेशन कहते हैं, और उसका मैं साइंटिफिक आधार आपको बताता हूँ दोस्तों। आपका ब्रेन ब्रेन CPU इज अ वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन, तथास्तु मशीन है। आपने अपने ब्रेन को कहा मेरा मेरा तो जीवन ही नर्क है, आपका ब्रेन बोलेगा तथास्तु, मेरी किस्मत ही खूबी है, मेरे को हर एग्जाम डिफिकल्ट नजर आता है, कुछ भी इजी नहीं लग रहा है, मेरे को ये वाला न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डिफिकल्ट है, आपका ब्रेन बोलेगा तथास्तु 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 तथास्तु, साक्षात भगवान आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाएगा तो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आपका ब्रेन विल असिस्ट यू। उसको नहीं पता सही क्या गलत क्या, वो बस एक ही चीज करता था, खास को कैन यू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। आप अपने इस मन
ब्रेन के थिएटर में जो चाहते हो उसको देखो। क्या देखो? कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आप प्रिपेयर तो कर रहे हैं, चेहरा खिला हुआ है, मन शांत है, आई एम एंजॉयिंग। मैं सुबह उठा, एग्जाम का दिन, मम्मी ने कहा वाओ यू लुक कॉन्फिडेंट बेटा गिरीश। यानी इमेजिन करिए मम्मी मुझसे कह रही है एग्जाम के दिन यू लुक कॉन्फिडेंट, चेहरा खिला हुआ है, आंखें खिली हुई है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, मैंने सबसे अच्छा ड्रेस पहना। मम्मी कहते हैं तू हैंडसम भी लग रहा है, वाह एग्जाम लिखने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इधर जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। पता है माइकल फेल्प्स ने क्या किया? माइकल फेल्प्स की कोच ने उसको मेंटल इमेज दी, जो जो अप्रिय चीज हो सकती है उसको बोला तुम सोचो। और सन 2008 में बीजिंग में माइकल फेल्प्स ने 200 मीटर का जब जंप लगाया, 200 मीटर का फ्री स्टाइल पे जब था, जैसे ही उसने जंप लगाया ना उसका गॉगल्स लीक हो गया, गॉगल्स पहनना पड़ता है। और अगर गॉगल्स लीक हो गया मतलब आपकी आंखों में क्या था, क्या भर गया? पानी। अगर दोनों आंख में पानी है मतलब आप अंधे हो। अब आपको कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना है, कॉम्पिटिटर कितना फास्ट कर रहा है, लास्ट में मेरे को अपना एनर्जी कंजर्व करना, कुछ नहीं पता, यू आर ब्लाइंडेड। और एक्चुअली में सन 2008 में माइकल फेल्प्स के साथ हुआ, उसने जैसे ही जंप लगाया उसका गॉगल्स लीक हो गया, ही वाज ब्लाइंडेड। लेकिन उसने 10,000 बार बैठ करके मन में उसने विजुलाइज किया था, अगर मैं से जंप करता हूँ मेरा गॉगल्स लीक हो रहा है, मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, मैं ऐसे स्विम करूंगा, इतने में मैं फिनिश कर पाऊंगा, लास्ट में ऐसे एनर्जी। उसने यहाँ पे मेंटल रिहर्सल 10,000 बार किया। 10,000 बार आप मेंटल रिहर्सल करो, रियल में करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसको यही मेडिटेशन है, मेडिटेशन में बैठ के अपने साथ प्यार से बात करो, अच्छी तरह बात करो। नेगेटिव बात करने में तो हम उस्ताद हैं, जैसे बात करोगे आपका ब्रेन आपको बोलेगा तथा शुरू हो सकते। गिरीश भाई को ना की चौकी पे गुस्सा लगता था, वो प्रमोद भाई ने गीत गाया ना, प्रमोद भाई गाया, प्रमोद भाई कौन से संगीत अकादमी से आपने सीखा? कहीं नहीं सीखा आपने ना, उनका असली गीत को भी सुना नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से सुन रहा हूँ, वो है ना क्या स्टार सिंगर, ये सिंगर वो सिंगर में कॉम्पिटिशन के लायक हैं दोस्तों, उनको नहीं करना, मैं जानता हूँ कहाँ से आया हूँ कि अगर काबिलियत है, बस मुझे दूसरों के लिए करना है, सब खुश हो जाए करना है। और उनकी कला गिरीश भाई को भी कोई बोलने की कला नहीं आती थी दोस्तों, आपको लगता है ना मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जीरो क्वालिफिकेशन है, बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए। आप अपने आप को अच्छा समझिए, मैं क्या सीखूँ, क्या दूसरों के लिए करूँ, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली। आप क्या चाहते हैं जीवन में सब प्राप्त होगा। लैनी डैशर करके शूटर था, राइफल शूटर, और किसी कारणवश वो शूटिंग रेंज में नहीं जा पाया। 1998 में सियोल में उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कमाया। पता है कैसे? उसने अपने बेडरूम को शूटिंग रेंज बनाया और उसको ड्राई फायरिंग कहते हैं। ऐसा बेडरूम, उसमें पूरा वो ड्रेस पहनता था, वो राइफल लेता था और बस सोच रहा है मैं टारगेट था, दो ग्रुप बनाए बच्चों का, उनको पियानो सिखाया गया, सारे गामा पा मान लीजिए सारे गामा पा। एक ग्रुप को कहा आप घर जाओ, और उनके घर में पियानो था और कहा हर दिन 1 घंटा 5 दिन तक सारे गामा पा प्रैक्टिस करो। दूसरे ग्रुप को बच्चों को भी भेजा, लेकिन उनके घरों में पियानो नहीं था, उनको बोला ऐसे ही करो सारे गामा पा सुनो मनीमान सारे गामा पा, सा का ये बटन, ट्रे का ये बटन, ग का ये बटन, और रियल में पियानो नहीं है लेकिन 1 घंटा 5 दिन करो। दोनों बच्चों को, दोनों ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया, वापस बुलाया, हर दिन उनको बुलाया गया और देखा गया कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा था। एंड यू विल बी सरप्राइज, जिन बच्चों ने सिर्फ मेंटली किया, रियल में नहीं किया, मन ही मन सारे गामा किया, 5 दिन जो उन्होंने किया दैट वाज सिमिलर टू 3 डेज ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस। 3 दिन आप रियल करिए, 5 दिन आप यहाँ करिए, दोनों का परफॉर्मेंस समान है।
और दोस्तों अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, सुख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बहाने का चाहिए। आपका ब्रेन cannot distinguish between the real and the imaginary. Same electrochemical processes will take place. Meditation में बैठ कर जो आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करेगा। आपको कौन सा संस्कार परिवर्तन करना है, आपको कौन सी आदतों को छोड़ना है, आपका शरीर आपको मदद करेगा। दोस्तों इतना सुंदर ये ब्रेन, इतना सुंदर ये शरीर है, प्लीज फायदा उठाइए। और महान गलती भी आप कर सकते हो, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, मैं कॉम्पिटिशन में, मेरे को ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैं इंटरव्यू में घबराती हूँ, खुद मत बोलिए अपने आप को। सोचिए जो आप चाहते हो उस बिना क्रिएट करिए, हो सकता है। और मेडिटेशन सीखने के लिए ना आपको एक नया पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। दीदी आपको बताएं, बता देते हैं बाजू में है हमारे लोगों को, हमारे सेवा के फ्री में जब सीखिए और पहने आपको सिखाएंगे अच्छी तरीके से। मैं जब 22 साल की उम्र में था ना, मैं गलती से ब्रह्मा कुमारी में आया था, गलती से, मुझे नहीं जरूरत थी, मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, गलती से आया लेकिन फायदा बहुत हो गया। सीरियसली मैं बोला तो पागल ही हो जाता था सारी दुनिया, बहुत इजी है उसका लाइफ। एक बार राज्य में मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल करके अपने आप को टाइम दीजिए 6 महीने, आप पाएंगे इतनी कम मेहनत में आप इतनी सफलता पाएंगे। आपका ब्रेन पावर बढ़ जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ और दिख रहा है, चिंता कुछ और चल रही है, इस वक्त फोकस करना आपको आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है मेडिटेशन करेंगे तो सफलता माना मन की अवस्था, मन की अवस्था माना आप कैसे विचार, कैसी संवेदना जागृत कर रहे हो, और उसका आधार कौन है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा। मैं वो भी दोस्त हूँ, मेरे जीवन में मेरा सफलता का कारण, मेरे जीवन में मेरा हार का कारण। वेरी गुड, तो सुधरना किसको है, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सोच में परिवर्तन लेकर आना है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे मिल पाया, मेरे मन में यही आपके लिए आशा है कि आप बहुत तरक्की हो सकते। आप सिर्फ एग्जाम और नौकरी नहीं, जीवन भर सदा खुश रहे, सदा ईजी रहे, सदा ब्यूटीफुल रहे, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चीजें फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, एक चीज नहीं छोड़ना, करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज, तो हम ऐसे दोनों हाथ ऐसे करो बच्चों, सब लोग करो, नोटबुक पेन वो सब साइड में रखो, दोनों हाथ ऐसे किया, बहुत अच्छा। इसको अपने होठों के किनारे रखो, आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाइए, बस लगाइए, हाँ दांत दिखने चाहिए, चेहरे को ऐसे मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे कर लो, चेहरा ऐसे रहने देना। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साहब ऐसे बैठे थे, मैंने कहा हाथ तो नीचे करो सर, बोला नहीं करूंगा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा गिरीश जी हाथ नीचे करता हूँ तो चेहरा भी नीचे आ रहा है, मैंने कहा मैं भगवान ही कहा। सब मुस्कुरा रहे हैं, आजू बाजू वालों को देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखो देखो इधर उधर देखो आपस में देखो मुस्कुरा रहे हैं, हाँ वो बाजू वाले को देखिए बारह बजे तक ऐसे रहे, यहाँ से अभी घर जाना
जैसे ही घर पहुंचोगे थोड़ा लेट नहीं हो गए मान लीजिए, सारा दिन आपने क्लासेस अटेंड किया, फिर थोड़ा इधर उधर बातें बातें करके आप घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे आपकी माता जी स्लैश सासू माँ जो भी होगी वो दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलते ही साथ आपको देखते ही साथ AK-47 निकालती है, AK-56 निकालती है, बोफोर्स गन निकालती है और कहती है आ गई तू, तू ही है जो नौकरी ढूंढ रही है, पढ़ाई कर रही है, हमने तो हमारे जमाने में कभी पढ़ाई नहीं करी, फिर टाइम में आने का सुबह से झाड़ू नहीं लगाया किसी के घर का, खाना कौन बनाएगा, और आपको कहती है झाड़ू लगा, तो बताए दोस्त आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना, एक तो परमानेंटली काम कर रहे होंगे, एक तो डांट रही है और आप मुस्कुरा रहे हो, पता है आपको क्या कहना है, मम्मी को कहना, इसको कहते हैं आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, मम्मी को मुस्कुरा के कहना थक गई सर दर्द कर रहा है, पहले चाय पियोगे, दो घंटे आराम करोगे, कल पॉसिबल है, पॉसिबल है, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, 8-8 घंटे क्लास को अटेंड करना ही पड़ेगा, अच्छा ये सब करना ही है तो दो ही चॉइस है दोस्तों, या तो मन मर के करो, अच्छा झाड़ू लगाना ही है, उसको एक साल की मुक्ति प्राप्त है, वो घर का कोई काम नहीं करती, सिर्फ पढ़ाई करेगी, पढ़ती वर्ती तो कुछ नहीं है, काम भी कुछ नहीं करती है, और कुर्सी में बैठी हुई है, टीवी देख रही है पढ़ने के नाम पर, पता है आपको क्या करना है, मुस्कुराते हुए झाड़ू लगाते हुए उसके पास जाना और कहना महारानी साहिब चरण पादुका गाली नहीं देना, झाड़ू लगा रहे लेकिन दुखियों के लगा रहे, बच्चों झाड़ू लगाना ही लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, एक चीज नहीं छोड़ना, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, 8 घंटे मेहनत करनी है, 15 घंटे मेहनत करनी है, 24 घंटे टीवी देखना है, जो करना है करो, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ना, टीवी देखे और फिर गिल्ट में आते हो गई, एक तो गलत किया ऊपर से देखो गलत कर रहे हो, अब मैं आपको बोल रहा वाह बर्बाद किया मैंने, अब डबल पढ़ाई करो और से देखो बन जाओ, होता है गलतियां होती है, मन भटकता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हताश मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाओ, इतनी शक्ति है दोस्तों, कर सकते हैं पक्का, इंटरव्यू में कैसे जाओगे, और इंटरव्यू में पहला सवाल अगर इंटरव्यूअर ने पूछा है दूसरा सवाल तीसरा सवाल चौथा सवाल सर कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा है, यही सवाल में ना सब्जेक्ट कौन सा है, और पता है इंटरव्यू से बाहर निकलना आपकी सहेली बोलगी कैसे दिया इंटरव्यू, मुस्कुरा के कहना तेरा चांस नहीं होगा, इंटरव्यू चलता है दोस्तों, नहीं सफल होके चलता है, सफलता इधर है, घर में आना, मम्मी पापा पूछे कि कैसा था रिजल्ट, आंखों में चमक, चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराते हुए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होके पापा को कहना फेल हो गया, फेल होगा कैसे कोई मुस्कुरा सकता है दोस्तों, फेलियर में आंखों में चमक कैसे हो सकता है, फेलियर और चेहरा खुला हुआ एक गलत इक्वेशन है दोस्तों, हम ना हमारा नॉर्मल इक्वेशन पता है क्या, फेलियर मतलब किसने कहा, अगर फेलियर में यही नॉर्मल है तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद नहीं बताते
times. अगर फेलियर का यही डेफिनेशन है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होकर हताश होना, रोना, परेशान होना, लाल पीला हो जाना, तो गांधी जी नहीं होते थे, सचिन तेंदुलकर नहीं होते थे, लता मंगेशकर नहीं होती थी, अमिताभ बच्चन नहीं होते थे, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है दोस्तों। नॉर्मल पता है क्या है? विपरीत परिस्थितियों में भी अंतर खुश शांत कॉन्फिडेंट हो गया बाकी सब अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। पापा बोले तू फेल हो कर आई और मुस्कुरा रही है, पापा को कहना फेल हो कर आई हूँ ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगी, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, काली नहीं होगा, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा, AICTE UPSC CBSE जो CCSE है सबको काली नहीं होगा, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा। और पापा अगले साल मजे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, 12 घंटे पढ़ूंगी मजे से, इंटरेस्ट से, वही सब्जेक्ट जो मैंने एक बार बोला, सॉरी वही सब्जेक्ट जो मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया था पिछले साल, वापस इंटरेस्ट लेकर पढ़ना बहुत आसान है, फ्रस्ट्रेट होना बहुत आसान है, जो लोग सफल होते हैं ना वो कठिन चीज करते हैं, और वो कठिन को आसान बनाने का तरीका है अपने मन को शक्तिशाली, मन को थोड़ा मन को अच्छा खाना, वही मेडिटेशन। मुस्कुराएंगे कल दोपहर के 12 बजे तक, नहीं ठीक है, ताली बजाइए अपने लिए। एक मिनट मेडिटेशन करें, हाँ मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन माना अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना, मेडिटेशन करना खुद को इंस्पायर करो, मेडिटेशन करना अपने आप अच्छी बात है, हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझसे अच्छी बात करे, मम्मी पापा मुझे प्रोत्साहित करें, लोग मुझे प्यार करें, गुड खुद भी तो कर सकते, कोई करे ना करे उसकी मूड मर्जी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो हमेशा अपने आप के साथ अच्छा बात कर सकता हूँ ना, कॉन्शियसली स्वयं के साथ अच्छी बात करता हूँ, सीधे बैठे अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, मानव जीवन में सफल या विफल बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मन, हमारी संवेदनाएं, अपने मन को करने, ओ माय डियर स्वीट फ्रेंड, हे मन तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, अभी कुछ क्षण के लिए हे मन तुम्हें भूतकाल भविष्यकाल कारोबार जिम्मेदारी घर परिवार उन सबसे अपने मन को हटा के तुम्हें बस वही स्थान करेंगे, मेरा मन बहुत शांत है, मन के अच्छे विचार कि मैं जो हूँ जैसा भगवान की सुंदर रचना, आई एम बाउंड, आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस इज नॉट व्हाट हैपेंस और डजंट हैपेंस एक्सटर्नली, सक्सेस इज व्हाट हैपेंस विद इन शांत और शीतल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एग्जाम आसान नहीं है, क्योंकि मेरे मन में पढ़ाई के प्रति अच्छे विचार, मेहनत कठिन नहीं है, आई लव टू डू हार्ड वर्क, आई लव टू डू स्मार्ट वर्क, आई लव स्टडी, I love practicing,
वर्ष प्राचीन भाग मैं अपने माता पिता से मैं देख पा रहा हूँ मेरा भविष्य बहुत श्रेष्ठ बहुत उज्ज्वल मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। सिर्फ नौकरी ही नहीं मेरा जीवन ही बहुत अच्छा होगा। नौकरी के पहले नौकरी के दौरान नौकरी के पश्चात हर पल खुशी शांति व सम्मान के साथ बचेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सफलता मूर्त आई एम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनना नहीं मैं हूँ पर जो महसूस कर सफलता के मन की अवस्था जो कुछ करो उससे संपूर्ण संतुष्ट। हाँ कुछ कभी कमजोरी में है तो उसे मैं परिवर्तन करूँगा और मेहनत करूँगा और जल्दी सुधरूंगा। बहुत ध्यान और एकाग्रता से पढ़ाई करूँगा। अब पढ़ना एक वेस्ट नहीं समय तो व्यर्थ नहीं जाना। I will utilize my time appropriately। मेरा मन बहुत प्रसन्न चित्त कितना अच्छा लग रहा है। सफलता मेरे कदमों में है। बस मुझे ऐसे ही जीना है। खुशी कोई चिंता नहीं कोई डर नहीं कोई अनिश्चितता नहीं कोई डाउट नहीं। 100% आई एम कॉन्फिडेंट गुड इज गोइंग टू हैपन टू मी। अच्छा ही होगा मेरे साथ। भगवान मेरे साथ बड़ों की दुआएं मेरी अपनी मेहनत या विश्वास ये सब बातें मुझे आसानी से सफल होगा कि जल्द शिखर पर पहुँचा। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हमारी दीदियों का हमारे आदरणीय सर का जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया। आज मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चला। इन सबको मैं जीवन में याद कर धारण करके अपना और दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू सो मच। विकलांगता हमेशा मन से होता है सफलता भी हमेशा मन से होती है। मैं मन से संतुष्ट शक्तिशाली स्थिर खुश शांत इसी मन की अवस्था में रहते हुए बहुत प्यास है। ओम शांति। धीरे से आंखें खोलें बच्चों आंखें खोलो अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रख करो बहुत प्यार से करिए। ओम शांति। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे माथे पे गाल पे आंखों पे नाक पे मुख पे सब लोगों में फैल लगे रहती सदा फैल और सदा लगते। थैंक यू। मैं यही शुभकामनाएं रखता हूँ परमात्मा की तरफ से अपनी दीदियों की तरफ से। आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप बहुत तरक्की करें बहुत संपन्न बने। आप अपने माता पिता का ये उत्कर्ष क्लासेस का नाम रोशन करें। आप सदा स्वस्थ रहें इन शुभ आशाओं के साथ। थैंक यू। ओम शांति। जोर से तालियां।